Good morning, students. How are you? You are welcome to CR International Online Classes. आज का आपका असाइनमेंट नंबर 82 टॉपिक है कॉजेज ऑफ म्यूटिनी फॉर इंडियन सोल्जर्स इन 1857। ये टॉपिक के अंदर ये बताया गया है कि सैनिक विद्रोह के क्या क्या कारण थे। अंग्रेज़ों के राज में 1857 की जो क्रांति हुई उसमें सैनिक विद्रोह एक बड़ा अहम रोल अदा कर पाया, तो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सैनिक विद्रोह के प्रमुख कारण क्या क्या थे। तो सैनिक विद्रोह के, वैसे जैसे हम समझते हैं कि सैनिक विद्रोह उस समय बहुत ज़्यादा देखने को मिले, विभिन्न शहरों के अंदर जहाँ जहाँ पर सैनिक छावनियाँ थी, सब ने जितने भी भारतीय बटालियन थी उन्होंने पूरा पूरा सहयोग दिया। एक बटालियन से दूसरी बटालियन के लोगों को खबरें पहुँचाना, मोटिवेट करना, रात में मीटिंग रखना, पुलिस लाइनों में मीटिंग रखना, इस तरह की व्यवस्था करके, और उन्होंने राष्ट्रवाद की जो भूमिका, राष्ट्रवाद की सच्ची भूमिका उन्होंने निभाई, राष्ट्रवादियों के रूप में ये लोग बहुत काम आए। इसके अंदर सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, द फॉलोइंग काउजेज वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स इन इंडिया 1857, 1857 की क्रांति के सैनिक विद्रोह के प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं। यूज़ ऑफ कार्ट्रेजेस, इसमें जो कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया था भारतीय सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों को इस चीज़ का अंदेशा पहले लग चुका था, ये भ्रांति थी उनको कि अंग्रेज़ उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, और उसके अंदर इस तरह की भ्रांति लोगों में फैल चुकी थी, खासतौर पर सैनिकों के अंदर, कि जो चर्बी लगे हुए कारतूस, ये जो एनफील्ड नाम की राइफल है उसके अंदर कारतूस को मुंह से छीलना होता था, और उस कारतूस के अंदर एक गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, इस तरह की भ्रांति उस सैनिकों के अंदर फैल चुकी थी। इस वजह से वो समझ गए थे कि इससे धर्म भ्रष्ट करने के अलावा और कुछ नहीं है, और उन्होंने क्रांति के अंदर अपना विद्रोह में पूरा पूरा सपोर्ट दिया। इसके बाद नेक्स्ट है र्यूमर्स ऑफ काउ एंड पिग डस्ट इनटू फ्लोर। इसके अलावा एक और भ्रांति समाज के अंदर मौजूद थी, एक अफवाह समाज के अंदर ये भी मौजूद थी कि गाय और सुअर की हड्डियों से पिसे हुए चूर्ण को आटे में मिला करके बाजार में बेचा जा रहा है, और उसका मकसद सिर्फ यही है कि लोगों का, हिंदुओं का भी और मुस्लिमों का भी धर्म भ्रष्ट कर देना। इस तरीके से सैनिकों को जब ये बात पता चली तो सैनिकों ने भी 1857 की क्रांति के अंदर वो भी कूद पड़े। इसके बाद है ए न्यू लॉ वाज पास्ड इन 1857, 1857 की क्रांति के समय, उससे कुछ समय पहले एक कानून पास किया गया। वह कानून इस प्रकार से था कि भारतीय जो हिंदू सैनिक होते थे उन लोगों को समुद्र पार भी ड्यूटी पे भेजा जा सकता था, समुद्र पार की यात्रा पर भेजा जा सकता था, और हमारे हिंदू जो सैनिक थे वो समुद्री यात्रा पर जाना अपने धर्म के खिलाफ समझते थे, और इस तरीके से जब उन्हें कानून बना करके बाहर भेजा गया तो वो, उन्हें बहुत नाराज़गी हुई, वो मानते थे कि उनका अपना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और ये अपने रिवाज या परंपराओं के खिलाफ है, इसलिए वो अंग्रेज़ी राज को पसंद नहीं करते थे, और 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेज़ी राज के खिलाफ कूद पड़े। नेक्स्ट है दे वर पेज लेस सैलरी टू इंडियन सोल्जर्स। अंग्रेज़ी राज के अंदर 1857 की क्रांति से पहले भारतीय सैनिकों ने खूब देख लिया था कि अंग्रेज़ों की अपेक्षा और भारतीय सैनिकों के अंदर जो वेतन में बहुत ज़्यादा फ़र्क रहता था, उनके ओहदों में भी फ़र्क रहता था, उनके पद, अंग्रेज़ों को जल्दी वो पद पदोन्नत किए जाते थे, और जो इंडियंस होते थे उन्हें सूबेदार मेजर से बड़ा पद उन्हें बहुत कम लोगों को मिलता था, और इस तरीके से प्रूव हो जाता है कि हमारे यहाँ के लोगों को सैनिकों के साथ भी भेदभाव देखने को मिल रहा था। इसके अलावा इसके अंदर बताया गया कि मंगल पांडे के इसमें क्या योगदान है, कि जैसे कि इसकी डेट फिक्स की गई थी 1857 की क्रांति की 31 मई 1857, 10 मई को मेरठ के पास में बैरकपुर छावनी के अंदर मंगल पांडे नाम के सैनिक को जब यह बात पता चली कि इन कारतूसों के अंदर चर्बी और जो चर्बी लगी हुई है और वो चर्बी गाय और सुअर से के मांस से बनी हुई है, तो उन्होंने उसको मुंह से छीलने से मना कर दिया, और उसके उनको क्रोध में आकर के उन्होंने पुलिस अधिकारी को भी गोली से उड़ा दिया,
और इस तरीके से उनको ऐसी एक्टिविटी करने के बाद तुरंत उन्हें गिरफ्तार करके और उन्हें फांसी दे दी गई, जिसकी नाराजगी स्वरूप बाकी सैनिकों ने भी अपने हथियार डाल दिए और सैनिकों के खिलाफ यानी अंग्रेजी राज के खिलाफ वो कूद पड़े। तो ये हमारे जो टॉपिक हैं ये वे टॉपिक हैं जिनकी वजह से सैनिक विद्रोह भड़का। और भी हम सैनिक विद्रोह के अंदर हम देख सकते हैं कि अक्सर भेदभाव होता था, परेड चल रही होती थी, परेड के दौरान भी अपमान करते रहते थे जो यूरोपियन अधिकारी होते थे, वो भारतीय लोगों को सैनिकों को भी कुछ नहीं समझते थे, अपने कल्चर को ज़्यादा श्रेष्ठ समझते थे। इस तरह के जो भेद थे, मतभेद, वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए थे। नेक्स्ट है कॉजेस फॉर द फेल्योर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के असफल होने के कारण क्या थे। 1857 की क्रांति सफल हो जाती अगर पूरे इंडिया के लोग उसमें, सभी वर्गों के लोग बराबर भागीदारी करते, सब सपोर्ट करते, सभी क्षेत्रों के लोग सपोर्ट करते। लेकिन ये बात देखने में आई कि इसके अंदर स्टार्टेड बिफोर द टाइम, ये समय से पहले शुरू हो गया। इसके लिए डेट रखी गई थी 31 मई 1857 को, लेकिन ये शुरू हो गया 10 मई को, यानी 21 दिन पहले ये स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से ना तो इतनी कोई बहुत मैनेजमेंट की यानी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, ना इतना कोऑर्डिनेशन था, क्योंकि संचार व्यवस्थाएं भी इतनी अच्छी नहीं थी, परिवहन के संसाधन भी कम थे। इस वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज पहुंचाना तक भी मुश्किल हो रहा था। इसलिए जो क्रांति का समय से पहले स्टार्ट हो जाना और अपने आप में एक बहुत बड़ी भूल थी। अगर ये 31 मई को स्टार्ट होता तो अंग्रेज़ों को संभलने का मौका नहीं मिलता और अंग्रेज़ उसका दमन नहीं कर पाते। नेक्स्ट है लिमिटेड रिवोल्ट। ये जो क्रांति थी 1857 की क्रांति, ये पूरे भारत में ना फैल करके सिर्फ उत्तरी भारत के अंदर ही इसका विस्तार देखने को मिला। अगर साउथ इंडिया भी इसमें सपोर्ट कर रहा होता तो रिजल्ट कुछ और ही होता, यानी इंडिया शायद 1857 की क्रांति में या उस समय पर आज़ाद हो गया होता। नेक्स्ट है लैक ऑफ एबल लीडर्स। उस समय जो विद्रोही थे उनके अंदर एक प्रॉपर कोई नेता, बहुत से स्थान ऐसे थे जहां पर नेतृत्व तो लोग कर रहे थे लेकिन योग्य नेतृत्व का अभाव था, उनमें लोगों में बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था, हथियारों की कमी थी उनके अंदर, जैसे आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली बात थी वो नहीं थी। नेक्स्ट है लैक ऑफ वॉर मटेरियल। विभिन्न तरह के जैसे गोला बारूद बंदूकों की कमी थी और यहाँ तक कि पुलिस या आर्मी के अंदर जो ट्रेनिंग दी जाती है जवानों को, वो ट्रेनिंग भी इन लोगों को नहीं मिली थी, यानी युद्ध की ट्रेनिंग नहीं थी। इसकी वजह से 1857 की क्रांति के अंदर हमारे जो विद्रोही थे या जो स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोही थे वो हार गए, यानी हम उन्हें हम अपने देश के लिए देशभक्त बोल सकते हैं। इन देशभक्तों को लड़ाई की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही थी, जैसे आज़ाद हिंद फौज के जरिए आज़ाद इन्होंने सुभाष चंद्र जी बोस ने ये तैयारी की थी कि भी इनको वेल तरीके से इनको ट्रेनिंग दी जाए, और इसी चीज़ का अभाव वो देख चुके थे इंडिया के अंदर, इसीलिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का मतलब नेतृत्व भी किया और उसके अंदर उस तरीके से बदलाव भी किया। इसके बाद आपके ये टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। देखिए पहला टॉपिक है यूज़ ऑफ कार्ट्रेजेस। इसके अंदर कारतूसों का उपयोग किया जा रहा था और कारतूसों के अंदर लोगों को अफवाह उड़ा दी गई थी कि इससे धर्म भ्रष्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें गाय और सुअर की चर्बी इसमें लगी हुई थी, और जो मुंह से छील करके बंदूक में भरना होता था, एनफील्ड नाम की राइफल के अंदर बंदूक जो उसमें कारतूस सेट करना होता था और कारतूस को मुंह से छीलना होता था, इससे धर्म भ्रष्ट होने का खतरा था हिंदू और मुस्लिम दोनों का। इस वजह से क्रांति के मतलब एक तरह से तात्कालिक कारण ये बना क्रांति का। नेक्स्ट है र्यूमर्स ऑफ काउ एंड पिग डस्ट। गाय और सुअर के जो चर्बी या हड्डियों का चूरा जो है वो आटे में मिला करके बेचा जा रहा था मार्केट के अंदर, ये अंग्रेजी जो सरकार थी वो खुद करवा रही थी। इस तरह की अफवाह समाज के अंदर फैली हुई थी, इसका जैसे ही सैनिकों को पता चला तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। इससे नेक्स्ट एक कानून पास किया गया कि भारतीय जो हिंदू सैनिक हैं वे बाहर समुद्री यात्रा पर जा सकते हैं, बाहर ड्यूटी दे सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया उन्हें सैलरी कम मिलती थी, अंग्रेजी सिपाहियों की अपेक्षा भारतीय सिपाहियों को, सैनिकों को सैलरी कम मिलती थी, और यहाँ पर ऑफिसर्स उनका अक्सर मजाक उड़ाते थे। जब भी कभी परेड वगैरह होती थी तो उनकी कल्चर की, संस्कृति की और सभ्यता की हमेशा मजाक उड़ाते रहते, और ये भारतीय सैनिक लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाए।
मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 31 मई 1857 की क्रांति का जो दिन सुनिश्चित किया गया था क्रांति के दिन के लिए, वो 10 मई को ही उन्होंने वहाँ बैरकपुर छावनी में से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उससे रहा नहीं गया और जो गलत गतिविधि हो रही थी देश के अंदर उसके खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंक दिया और 10 मई को उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी। नेक्स्ट है, इसके असफलता के कारण क्या थे, 1857 की क्रांति की असफलता के क्या कारण थे। इसके अंदर समय से पहले शुरुआत होना, अगर समय पे होता तो सफल हो जाता, समय से ना होने की वजह से लोग तैयारी नहीं कर पाए। लिमिटेड रिवोल्ट, क्षेत्र के हिसाब से देख सकते हैं, साउथ इंडिया के अंदर इसका फैलाव नहीं था, उत्तरी भारत के लोग ही सपोर्ट कर रहे थे। लैक ऑफ एबल लीडर, इसमें योग्य नेतृत्व की खास तौर पे कमी थी, क्योंकि योग्य नेतृत्व अगर होता तो डेफिनेटली सफल हो जाते। लैक ऑफ वॉर मटेरियल एंड ट्रेंड सोल्जर्स, इसके अंदर युद्ध सामग्री लोगों के पास अवेलेबल नहीं थी और युद्ध सामग्री के अभाव के अंदर, जैसे कि गोला बारूद प्रॉपरली नहीं है, बंदूकें नहीं हैं, या फिर ट्रेनिंग नहीं है लोगों के पास, रसद सामग्री समय से नहीं पहुंच रही है, तो जो विद्रोही लोग हैं वो बड़ी समस्या से घिरे हुए थे और उनको सपोर्ट, प्रशासनिक सहयोग तो था ही नहीं, उनसे तो छुप के काम करना होता था क्योंकि वो तो दुश्मन थे इनके। इस वजह से आम जनता उनको सपोर्ट करती थी तो आम जनता के खिलाफ भी उतना ही सख्ती से बर्ताव किया जाता था। इसके अंदर ट्रेंड सोल्जर्स की बात आती है, क्योंकि पुलिस और सैनिक जो हैं ट्रेनिंग प्राप्त करके और सेना या पुलिस को ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो विद्रोही थे वो डायरेक्टली उसको ज्वाइन कर पा रहे थे और वो ज़्यादातर कुछ लोग तो ऐसे थे जो भाले से, तीर भालों से लड़ाई लड़ रहे थे, जो कि उस समय पर एक व्यावहारिक मतलब यानी जीतने के लायक साधन नहीं थे, क्योंकि एक तो गोलियों से का सामना करना इतना आसान नहीं होता, तीर बाले लेकर के और गोलियों का सामना करना मूर्खता ही कहला सकता है और वो सफलता मिलने के चांसेस उसके अंदर कम होते हैं। यहाँ हमने दो टॉपिकों पे हमने डिस्कस किया। पहला टॉपिक आपका था इसके अंदर रेस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर यानी जो सैनिक विद्रोह होने के क्या क्या कारण थे, सैनिकों के साथ हो रहे भेदभाव, सैनिकों के साथ में जो जो मतलब बर्ताव किए जा रहे थे अंग्रेजी राज के द्वारा, अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा, या उनको कम सैलरी मिलना, या फिर कारतूस का जो उपयोग करने से उनका मनाही करना और क्यों करना वो भी मैं बता चुका हूँ। और इसके अंदर जैसे इसमें मंगल पांडे का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, एक ज्वलंत उदाहरण इसके अंदर बनता है, जो कि एक मतलब एक उग्र राष्ट्रवाद का प्रतीक भी माना जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर बताया गया है कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारण इसके अंदर समय से पहले शुरुआत होने की वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, संचार और परिवहन साधनों की कमी थी, सरकार सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि विरोधियों का सपोर्ट कभी नहीं कर सकती, उन्होंने सभी विद्रोहियों को अपना दुश्मन मान लिया था। लिमिटेड रिवोल्ट, क्षेत्र विशेष के हिसाब से देखें तो दक्षिण भारत ने इसमें सपोर्ट नहीं किया, 1857 की क्रांति असफलता का ये मेन कारण था। इसके अलावा योग्य नेतृत्व की कमी थी, इसके अंदर नेता जो लोग थे वो कुछ लोग तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए थे, उन्हें राष्ट्रवाद से कुछ इतना लेना देना नहीं था। और इसके बाद है वॉर मटेरियल की जो कमी थी इसके अंदर, जो गोला बारूद बंदूकों की खास तौर पे कमी देखी गई, अगर ये समय से लोगों के पास पहुँचते, रसद सामग्री पहुँचती तो जीतने के चांसेस बन सकते थे, और जो ट्रेनिंग थी हमारे सोल्जर्स को वो ट्रेनिंग उनको नहीं मिली, इस वजह से हमारे देश को 1857 की क्रांति की असफलता देखने को मिली। धन्यवाद।